अगर वो छात्र ये सोचे कि कॉलेज में भी परफॉर्म कभी नहीं करेंगे तो शायद वो अपने बच्चों को कभी ये कह नहीं पाएगा कि स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हम स्टेज पर परफॉर्म किए थे। यूजुअली वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिनके अंदर बहुत तगड़ा इनहिबिशन होता है। तुम लोगों से मैंने जब इंग्लिश की बात की तो हेजिटेशन की बात करी थी, किया था ना? पता नहीं तुम लोगों से कितने लोग ऐसे होंगे जो स्टेज पे चढ़ करके डांस भूल गए होंगे, शायद नहीं, लेकिन डरते हैं। तो वो क्या है? फियर, फॉल्स एक्सपीरियंस, फीलिंग रियल। मैंने बताया था कि कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या होता है? प्रैक्टिस। तो जब भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्या आ जाएगा? सिंपल फॉर्मूला है। अब तुमको कोई ताकत प्रैक्टिस करने से रोकती है क्या? अगर हाँ तुमको रोकती है, वो वर्ड मैंने यूज किया था प्रोकेस्टिनेशन। और जो लोग आज तक कभी परफॉर्म नहीं किए हैं, अगर वो छात्र ये सोचे कि कॉलेज में भी परफॉर्म कभी नहीं करेंगे तो शायद वो अपने बच्चों को कभी ये कह नहीं पाएगा कि स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हम स्टेज पर परफॉर्म किए थे। You're getting my point? और यूजुअली वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिनके अंदर बहुत तगड़ा इनहिबिशन होता है। तुम लोगों से मैंने जब इंग्लिश की बात की तो हेजिटेशन की बात करी थी, किया था ना? हेजिटेशन के बारे में, है ना? तो क्या तुम स्वभाव से हेजिटेंट हो? तो फिर हेजिटेशन क्यों आता है? फियर के कारण। फियर में क्या बताया था मैंने? फॉल्स एक्सपीरियंस अपीयरिंग रियल। पता नहीं तुम लोगों से कितने लोग ऐसे होंगे जो स्टेज पे चढ़ करके डांस भूल गए होंगे, शायद नहीं, लेकिन डरते हैं। तो वो क्या है? फियर, फॉल्स एक्सपीरियंस अपीयरिंग रियल। हाँ अच्छा, मैंने बताया था कि कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या होता है? प्रैक्टिस। चलो कुछ को तो याद है, गुड। कॉन्फिडेंस का सोर्स होता है, तो जब भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्या आ जाएगा? सिंपल फॉर्मूला है। अब तुमको कोई ताकत प्रैक्टिस करने से रोकती है क्या? अगर हाँ तुमको रोकती है, वो वर्ड मैंने यूज किया था प्रोकेस्टिनेशन। और फिर मैंने एक वीडियो तुम लोगों के बीच शेयर किया था, प्रियदर्शनी मैम को बोला था कि वो वीडियो क्लास में दिखाने के लिए, हाँ, इनसाइड द माइंड ऑफ ए प्रोकेस्टिनेटर, देखा था? है तुम लोग के दिमाग के अंदर? एक्चुअल में उसमें बेचारा वो एक बंदर बता रहा था, तुम्हारे दिमाग के अंदर चार चार पांच पांच बंदर होते हैं, है ना? इसलिए तुम लोगों को ज्यादा ही एक्स्ट्रा लेवल का प्रोकेस्टिनेशन होता है। सर बोल के गए कि अखबार पढ़ना, अखबार में से वर्ड्स खोजना, डिक्शनरी में से, गूगल में से, और वीडियो बनाना। बंदर क्या बोला? तुम लोग सर की सुनते हो, बंदर की सुनते हो? तो तुम्हारे टीचर तो बंदर ही है, वो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। हम लोग को तो फिर तुम मानो ही मत टीचर, तुमको तो करना अपने मन का ही है।